नमस्कार प्रणाम। हम खिसारी लाल यादव रो सबके बेटा रो सबके भाई पैरछू के प्रणाम करत हैं। बस बड़ा दुख के बाद बाकी लॉकडाउन के मतलब के समझ नहीं के पावत। वो लोग आज अपना घर के आर्मी बन के अपना जीवन के रक्षा कर सकते नहीं, अपना परिवार के रक्षा कर सकते नहीं। और ये पूरा देश के मामला नहीं के पूरे वर्ल्ड के मामला बा, तो इसमें हम सबके साथ देवे की जरूरत बा। हम समझ सकते नहीं जे रोज के रोजी करे वाला बा ओकरा खातिर प्रॉब्लम बा ये, लेकिन ओमे ना हम कुछ कर सकते नहीं ना रउआ सब कुछ कर सकते नहीं। हमने के बस यही कर सकते नहीं जाकि एक दूसरे के अच्छा लगे, एक दूसरे के सपोर्ट करे के बा। ओमे सिर्फ अपन जान के बात नहीं खे, अपना साथे साथे पूरा परिवार के जान के बात बा। एमे केहू लड़े के नहीं के कहत, कितना लोग करे के मजाक के टिकटॉक बना लेता, ये मजाक के समय नहीं खे। और रुआ केहू लड़े के नहीं के कहत कि जाके लड़ी, रुआ लागत है जी नहीं हमारा गांव में नहीं खे हम जवान बने। रुआ जवान बनी हम मानते नहीं कि आप सब जवान हैं, आपको नहीं होगा ये, बट आपके घर में बच्चे तो है ना, आपके घर में बुजुर्ग तो है ना, हमारे माँ बाप तो है ना, उनकी स्टेमिना तो उस टाइप की नहीं है कि उस ऐसे रोग की वो सामना कर सके। तो बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करते नहीं कि वो लोग अपन जिंदगी बचाई, जिंदगी रही तो फिर काम तो होते रही। और हमनियों के कई सारा शूटिंग छोड़ के, कई सारा एल्बम छोड़ के आदमी एक दूसरे के सपोर्ट करता है हिंदुस्तान के आज रक्षा करे के बा। अगर और आज हिंदुस्तान के बात बवे, और हिंदुस्तान नहीं पूरे देश की बात बा, और यहाँ अपनी जान के रक्षा के बात। और हम समझ सकते नहीं कि प्रॉब्लम तो बा सबके भी कि जे रोज के रोजी करत तो ओकरा खाती कितना कष्टदायक ही चीज़ बा। तो जे रोज के रोजी करत तो भाई अगर वह बगल में के बा, अगर वह सक्षम बनी तो जरूर ओकर हेल्प करे। हमने के तो चाह के भी हेल्प नहीं कर पावत कि कैसे आदमी हेल्प करी, कहाँ करी, भीड़ भाड़ कहीं इकट्ठा करे के नहीं खे। और हमने के जाए भी जाते भीड़ होकबे करी, कुछ सामान भी कहीं आदमी भेज सके तो ओकरा खातिर भी भीड़ होकबे करी। इससे ये अब यहाँ हर आदमी अपना घर में रह के अपन दायित्व पूरा कर सकता, अपन रक्षा कर सकता, अपना परिवार के रक्षा कर सकता, हिंदुस्तान के रक्षा कर सकता। लॉकडाउन के मतलब ये होला भैया। और ऐसा नहीं कि हम लोगों की का समझ जाएंगे, हम तो खुदे पढ़ा लिखल ना है, बस सबके बात इस समझ में आवे के चाहिए कि लॉकडाउन का मतलब जो घर से नीचे निकले के एकदम लॉक हो जाए रो सब हमनियों के लॉक हो गई बनी जा। और सोची कि जरा रुआ तो आज घर बात रुआ लॉक हो जाए, जरा लगे घर नहीं खेल का करी, वो समझ सकता नहीं हम। बट आज देश के प्रधानमंत्री आई में सरकार भी क्या कर सके रुआ लगे बताई। सरकार तो रुआ के बोलत ही बाकी हाँ, और सरकार के भूमिका जितना हो सके। और सबसे ज़्यादा हम बिहार के लोगों के बताए कि रुआ लोग प्लीज़ ऐसे जे बाहर गांव में बा ओकरा खातिर तो कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसे जो वो जी व्यवस्था बा टेक्नोलॉजी बताई, इटली में इतना ज़्यादा बा, अमेरिका में इतना ज़्यादा बा, तब वहाँ के लोग इतना सतर्क हो गए बबे। आउट ऑफ इंडिया के हर जगह हॉस्पिटल बड़ा बड़ा बा, डॉक्टर बड़ा बड़ा बड़े, लेकिन अपना बिहार में कहाँ भर वो बताई ना। अपना बिहार में अगर छपरा में केहू के तबीयत खराब हो जाओ तो छपरा में उतना बड़ा ना अस्पताल नहीं है कि केहू के भर्ती करा दिया जाओ। और बिहार के इतना बड़ा आबादी बा तो हमने के खुद के रक्षा ना कर जाता, हॉस्पिटल में रक्षा ना हो पाई। बिहार में उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि रुआ के रख सके हॉस्पिटल में, ऐसे जो हॉस्पिटल उतना बड़ा नहीं है भैया। रो लोग इसे एगो बेटा होके के नाते, एगो भाई होके के नाते हम रिक्वेस्ट कर रहा बन कि ज़्यादा करके बिहार के लोग के एक हिस्से जे लॉकडाउन के दिन भी देख लीजिए, आप लोग हर आदमी समर्थन कर ले, लेकिन लॉकडाउन एक दिन के ना 15 तारीख तक ले बा, 21 दिन के लॉकडाउन भाई। और लॉकडाउन समझ सकते नहीं रुआ जे कौना स्थिति में देश बा, एक के चलते इतना दिन तो देश के रुआ का लगता है जे नुकसान नहीं है, देश के भी नुकसान वैसे हर तरफ से रोजगार बंद बबे, देश अपन कितना पीछे जाता। लेकिन वह जान अरबों लगे जान रहो जान रही तो हमने के आज ना तो कल कमा के फिर रिकवर कर ले जा, लेकिन जिंदगी रही तबे ना भैया। हम रिक्वेस्ट करते नहीं रुआ सबके बेटा, अगर वो लोग हमारा कि जितना भी हमके मानी ले, जे हमारा के ना माने ला ओकरों से रिक्वेस्ट करते नहीं कि प्लीज़ रुआ लोग अपन जान के ख्याल रखें। रुआ लोग ईश्वर हैं, रुआ लोग की जान की बहुत बड़ा कीमत बा, और वह साथे साथ रुआ परिवार की जान की कीमत बा, क्योंकि जान रही तो बहुत काम हो हमने से।
आ करब जा, ऐसा थोड़ी बा हमनी के ना करी ले जाए। तो वो लोग अपना साथ साथ अपना घर परिवार के भी रक्षा के लिए जरूरी बा, वो सबके अपना परिवार के रक्षा के लिए जरूरी बा। आज रुआ आर्मी बन के रुआ घर के रक्षा कर सकता नहीं, अगर वो अपना परिवार के रक्षा कर लेनी तो वो देश के बचा लेनी। बेटा गलत बात है। कृति दरवाजा खोल दो बेटा। तो ये बात बाबा से यही रिक्वेस्ट करे खाते नहीं कि कितना लोग लॉग मैंने कोरोना पर कितना लोग ऐसा बाबे से बताई टिकटॉक बना रहा बा, ओकरा के मजाक में ले रहा बा, केहू सीरियस नहीं खेल लेते करे के प्लीज रो लोग सीरियस ले भैया। और वो लोग जान के बहुत बड़ा कीमत बा और परिवार के योगदान बा रुआ सबके पीछे। और वो लोग बाहर जाए रुआ जवान बनी रुआ ना हुई रुआ होती रुआ अपना परिवार के केहू सदस्य के छू दे, ओकर कैपेबिलिटी उतना नहीं खे, उतना ओकर शक्ति इतना नहीं खे जो बर्दाश्त कर पाई और रोग से उमारल जाए। तेवर रुआ अपना परिवार के रक्षा करे के बाद प्लीज हम हाथ जोड़ के प्रार्थना ही और बेटा के सारी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा बनी कि रुआ लोग संभल जाए थोड़ा सा ओकरा के हम समझ सका था नहीं राजकुमार कि जे दिहाड़ी करके गरीब रोज के खाना जुटावे ला का करी, लेकिन दिहाड़ी कहाँ करी वो दिहाड़ी करे के जगह भी तो होके कि चाहिए काम भी तो होके कि चाहिए। जब हर आदमी आज घर में बंद हो गई बा तो दिहाड़ी कहाँ मिली तू बताओ। अच्छा केहू बताओ हमके दिहाड़ी कैसे करी वो कहाँ करी। हम समझ सका था नहीं वो किसान के बेटा ही तो हमने के माल गुरु रखे वाला भी आदमी है जा वो जीव के हत्या कैसे हुई। आज ना हमनी के अति तो बनावे खाते हमनी के घर में परिवार और औरत लोग बाचा है हमनी के बना के खा ले जा, लेकिन गाय भैंस माल गुरु एक नहीं खाती तो जुटावे जाए के पर हाँ समझ सकता नहीं, लेकिन उकरा के जुटा के कोशिश करी जे जितना से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा घर में रह सके रहू माल गुरु के खाना पीना दे के। और कोशिश ये करे के बाद जो हमनी के ओकरो जीव हत्या ना होखो और ओकरो के खाना। एक मिनट बेटा कृति खोलो दरवाजा पीट रहा है वो बाबू दरवाजा पीट रहा है बेटा देखो पीट रहा है। बस यही रिक्वेस्ट हम